अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम बिलाल खान है। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं कॉन्टेक्ट अस के डेटा को यहाँ पर डेटाबेस में इंसर्ट कराना सिखाऊंगा आपको। तो इसके करने के लिए मैं सबसे पहले कोड को रन कर देता हूँ। गो रन मेन डॉट गो। तो यहाँ पर कोड रन हो गया है। ये उसके बाद यहाँ पर मैं खोलता हूँ इसको और यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस के फॉर्म में आ जाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये चार पांच चीजें ले रहा है, नेम, सब्जेक्ट, ईमेल, फोन नंबर और मैसेज। तो इन पांच चीजों को मैं यूजर से लूंगा और उसको बाद उसको डेटाबेस में इंसर्ट करा दूंगा। तो इसके करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको क्लियर कर देता हूँ और आपको यहाँ पर बताता हूँ कि मैं किस तरह यहाँ पर सबसे पहले एक ब्रांच बनाता हूँ, गेट ब्रांच कॉन्टेक्ट। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर लिखता हूँ गेट चेकआउट कॉन्टेक्ट। ठीक हो गया। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहां पर आऊंगा गेट ब्रांच। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मैं कॉन्टेक्ट की पेज में चला गया हूं। अब मैं इसको यहां से क्लियर कर देता हूं और यहां पर मैं व्यूज में आता हूं। मैंने यहां पर कुछ एक फाइल में कॉन्टेक्ट की फाइल में कुछ मॉडिफिकेशन कर दी थी। कुछ खास मॉडिफिकेशन मैंने नहीं की थी बल्कि सिर्फ इस तरह के नाम वगैरह चेंज किए थे। तो ये हो जाने के बाद मैं इसको यहां से क्लोज कर देता हूं और अब अगर मैं लिखता हूं गेट स्टेटस। तो यहां पर सिर्फ एक ही फाइल है जिसको मैंने मॉडिफाई किया था, तो इसको मैं यहां पर अभी बाद में सेव करूंगा। लेकिन उसके बाद अब मेन काम में क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यहां पर मॉडल्स में आता हूं और मॉडल्स में क्या लिखूंगा, एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा कॉन्टेक्ट डेटा के नाम से। ठीक है, और उसको ना ये स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले होगा नेम स्ट्रिंग, उसके बाद मैं आपको यहां पर खोल के दिखाता हूं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वो भी स्ट्रिंग, उसके बाद ईमेल, ईमेल के बाद फोन। ठीक हो गया, और फोन के बाद यहां पर क्या है, मैसेज। तो ये पांच चीजें जो है मैंने ले ली है, अब इसको यहां पर स्ट्रिंग करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाने के बाद अब मैंने क्या करना है, यहां पर सबसे पहले मैं इसको यहां से कॉपी करता हूं और डेटाबेस डॉट एसक्यूएल इसमें पेस्ट कर देता हूं। यहां पर मैं लिखता हूं कॉन्टेक्ट और उस कॉन्टेक्ट के बाद यहां पर मैं लिखता हूं नेम, इसको यूनिक की बजाय मैं लिखता हूं, इसको यूनिक खत्म कर देते हैं। इधर मैं क्या करूंगा, यहां पर लिखूंगा नेम्स। ठीक है, और नेम्स के बाद यहां पर मैं इसी को यहां से लिखता हूं, क्या कहते हैं, नेम्स, ईमेल, सब्जेक्ट। ठीक हो गया, तो इसको मैं पेस्ट कर देता, कॉपी करता हूँ, एक दो तीन। ठीक हो गया, इसको मैं यहां से रिमूव करता हूँ। अब सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, ईमेल, और ईमेल के बाद यहाँ पर होगा फोन, और लास्ट में मैसेजेस। तो ये पांच चीजें मुझे नेम सब्जेक्ट ईमेल फोन मैसेजेस, नेम सब्जेक्ट ईमेल फोन मैसेजेस, तो ये पांच चीजें यहां पर हो गई है। इसका ये कॉन्टेक्ट का ये भी हो गया है। अब उसके बाद मैंने क्या करना है, कॉन्टेक्ट के फॉर्म में आ जाना है। कॉन्टेक्ट के फॉर्म में आ जाने के बाद, बल्कि ये नहीं करता मैं, इंसर्ट में डॉट माई एसक्यूएल जो है इसमें आ जाते हैं। इसको यहां से मैं कॉपी करता हूँ इस फंक्शन को जो न्यूज लेटर के लिए था, मैं सिंपल इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहां पर क्या लिखता हूं, इंसर्ट कॉन्टेक्ट। ठीक है, और यहां पर जो है डीबी डॉट एसक्यूएल ये वन, क्योंकि यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं ये जीरो है और ये वन है। ठीक है, तो ये हो जाने के बाद अब ये न्यूज लेटर को हटाता हूं, यहां से मैं सिंपल क्या लिखूंगा, कॉन्टेक्ट, और इधर मैं क्या लिखूंगा, यहां पर वैल्यू, और वो क्या होगी, स्ट्रिंग। ठीक है, अरे स्ट्रिंग होगी। अब मैं इधर लिखता हूं नेम्स, ईमेल, नेम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ईमेल, सॉरी ईमेल, फोन्स और मैसेजेस। तो ये उसके हो गए हैं। अब ये डेटाबेस की एंट्री है, मैं इसको यहां से कॉमा, फिर उसके बाद फिर कॉमा और एक क्वेश्चन मार्क। तो ये पांच चीजें हैं। अब उसके बाद ये ईमेल जो है ये कौन सी है, वैल्यू टू है। ठीक है, ये जीरो वन टू, तो टू हो गया।
अब उसके बाद मैं इसी को यहाँ पे उठाता हूँ और लिखता हूँ, क्या कहते हैं, बल्कि इधर 5 लिखता हूँ, मैं भूल गया। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूंगा वैल्यू 0 और उसके बाद वैल्यू 1, इसको मैं कॉपी करता हूँ, ये हो गया वैल्यू 4, सॉरी ये वैल्यू 2 और उसके बाद ये वैल्यू 3, फिर वैल्यू 4, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो ये 5 है लेकिन 0 से स्टार्ट हो रहा है, इस वजह से 0 5 पे खत्म हो गया। तो यहाँ तक तो बात बन गई है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर आना है MongoDB का जो इंसर्ट का फंक्शन है, फाइल है, उसको मैं खोलता हूँ और यहाँ पर मैं सिंपल इसको पेस्ट कर देता हूँ इस फंक्शन को फिर से, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंसर्ट कॉन्टेक्ट, ठीक है, और यहाँ पर जो है इनपुट डेटा, इसके इंटरफेस को मैं बिठाता हूँ और लिखता हूँ स्ट्रिंग, अरे ये स्ट्रिंग अरे होगा 5, ठीक हो गया। अब मैंने क्या करना है, इनपुट डेटा को यहाँ से रिमूव कर देना है, और रिमूव करने के बाद मैं लिखूंगा बीसॉन एम, और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखूंगा क्या कहते हैं नेम, सबसे पहले क्या होगा नेम, और वो क्या होगा इनपुट डेटा 0, इसी तरह फिर ईमेल सब्जेक्ट सब्जेक्ट सॉरी ये क्या होगा इनपुट डेटा 1, और इसके बाद फिर क्या होगा ईमेल इनपुट डेटा 2, फिर फोन सॉरी फोन ये होगा इनपुट डेटा 3, और उसके बाद है मैसेजेस मैसेज, तो ये क्या है इनपुट डेटा 5, सही हो गया, मैं सॉरी इनपुट डेटा 4। तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 4, तो ये 4 हो गए हैं, नेम सब्जेक्ट ईमेल फोन मैसेज, सही है। तो यहाँ पर हो गया है, उसके बाद मैंने इसको नेम चेंज करना है, इसको न्यूज़लेटर की जगह लिखूंगा मैं कॉन्टेक्ट, और यहाँ पर बाकी चीजें सही रहे सेम ही रहेंगी। तो यहाँ पर ये चीजें हो गई, मैं सेव करता हूँ सबको, डेटाबेस इसको भी सेव करता हूँ और इसको भी सेव करते हैं। अब आते हैं कॉन्टेक्ट में, तो कॉन्टेक्ट में यहाँ पर गेट जो है इसको मैं इसी तरह रहने देता हूँ, जो पोस्ट की रिक्वेस्ट है उसमें मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा सेंड, और सेंड के अंदर लिखूंगा मॉडल्स, मॉडल्स के अंदर कॉन्टेक्ट डेटा, फिर उसके बाद नेम, नेम क्या होगा आर फॉर्म वैल्यू, तो आर फॉर्म वैल्यू क्या है नेम। तो यहाँ पर मैं व्यूज में आकर आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर अगर मैं नीचे आइए देखिए नेम इसका क्या है नेम, और उसके बाद नेम क्या है सब्जेक्ट, नेम क्या है ईमेल, तो इन सबको मैं नेम यहाँ से लूंगा तो ये इस फॉर्म को इसकी वैल्यू को उठा देगा, ठीक है। तो उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा क्या कहते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का होगा आर फॉर्म वैल्यू सब्जेक्ट, ठीक है, और उसके बाद क्या है ईमेल, तो ये आर फॉर्म वैल्यू ये होगा ईमेल, इसी तरह यहाँ पर होगा फोन, तो ये आर फॉर्म वैल्यू फोन, सॉरी इसको मैंने ई को स्मॉल करना था, इसको भी स्मॉल करते हैं। उसके बाद है मैसेज, मैसेज और उसको लिखता हूँ आर फॉर्म वैल्यू मैसेज, ठीक है। ये चीजें जो 5 चीजें हैं ये मैंने यहाँ लिख दी। अब उसके बाद मैंने इस सेंड डेटा को 1 by 1 उठाना है, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ वैल्यूज, और वैल्यूज क्या करते हैं यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये होगा स्ट्रिंग, ठीक है, ये 5, और इसके अंदर मैं लिखूंगा सेंड नेम, सेंड सेंड सब्जेक्ट, सेंड ईमेल, सेंड डॉट फोन, सेंड डॉट मैसेज, ठीक है, ये 5 चीजें उठाएगा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा MySQL, और MySQL में क्या करो क्या कहते हैं इंसर्ट कॉन्टेक्ट, इंसर्ट कॉन्टेक्ट में यहाँ पर वैल्यूज, ठीक है, और इसी तरह माय MongoDB, और MongoDB में इंसर्ट कॉन्टेक्ट व्यू भी क्या होगी वैल्यूज। तो इनने वैल्यूज को उठा के इसमें पुट कर दिया है, तो यहाँ से सेव करते हैं अब इसको, अब रन करते हैं गो रन मेन डॉट गो। तो यहाँ पर मैं आपको डेटाबेस रन करके भी दिखाता हूँ, MySQL U root P
सॉरी, इसको एंटर करते हैं, पासवर्ड एंटर करते हैं। अब ये ओके है, यूज ई कॉमर्स, मैं ई कॉमर्स का डेटाबेस है उसको चेंज किया, उसको यूज किया। शो टेबल्स, यहाँ पर सिर्फ एक ही टेबल है न्यूज़लेटर का। इसी तरह मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ और ये मोंगोडीबी का डेटाबेस यहाँ पर रिफ्रेश करके आपको बताते हैं क्या कहते हैं। वो अब ये कॉन्टेक्ट अस का जो कॉन्टेक्ट का जो क्या कहते हैं कलेक्शन है वो यहाँ पर अपेयर हो जाएगा। तो ये हो जाने के बाद मैं क्या करूंगा, सिंपल यहाँ पर आया, इसको रिफ्रेश करता हूँ और रिफ्रेश हो जाने के बाद मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पर लिखूंगा ये ईमेल, उसके बाद ये सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर लिखूंगा दिस इज द मैसेज। ठीक हो गया। अब इस मैसेज को मैंने क्या करना है, इसको सेंड कर देते हैं। तो ये देखिए मुझे कॉन्टेक्ट में ले गया है, तो यानी डेटा में सारा डेटा इंसर्ट हो गया डेटाबेस में। तो फिर से सिलेक्ट करता हूँ शो टेबल्स, ये देखें कॉन्टेक्ट हो गया है, कॉन्टेक्ट का टेबल आ गया है। शो में लिखता हूँ सिलेक्ट सेलेक्ट फ्रॉम कॉन्टेक्ट, ये देखिए ये डेटा यहाँ पर अपियर हो गया है। इसी तरह यहाँ पर आते हैं और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो ये वापिस पीछे मुझे ले गया है, यहाँ पर देखिए कॉन्टेक्ट आ गया है। ठीक है, तो ये देखिए ये सारा डेटा अपियर हो गया है, फोन नंबर जो भी है, मैसेज नेम, उसके बाद जो सब्जेक्ट वगैरह है यहाँ पर अपियर हो गया है। इसी तरह मैं यहाँ पर फिर से आता हूँ और यहाँ पर एक दूसरा ईमेल एड्रेस देते हैं, ये वाला नंबर भी चेंज कर देते हैं, ये कहते हैं हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पर मैं सेंड मैसेज पे क्लिक करता हूँ तो ये वापस मुझे उधर ले जाएगा। और फिर से करते हैं, ये देखिए दूसरा मैसेज भी आ गया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और इसी तरह मोंगोडीबी को रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर भी है दूसरा आ गया है, दिस इज सब्जेक्ट आईडी, ये हेलो वर्ल्ड। तो ये मेरा काम कर गया है। तो अब मैंने क्या करना है, गिट को अपडेट करना है, गिट स्टेटस। तो यहाँ पर कुछ चीजें मॉडिफाइड हो चुकी है, मैं सिंपल क्या करूंगा, इसको क्लियर करके लिखूंगा गिट कमिट और एएम एडिंग कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन इन द डेटाबेस। ठीक है, ये हो गया है। अब अगर मैं गिट स्टेटस पे क्लिक करता हूँ तो ये ट्री क्लीन है, और ये गिट कौन सी ब्रांच है, गिट कॉन्टेक्ट की। अब मैं अगर चाहता हूँ दूसरे ब्रांच में गिट चेकआउट, कौन सी ब्रांच, न्यूज लेटर की तरफ, न्यूज लेटर। तो यहाँ पर ये सारा डेटा जो है यहाँ से गायब हो चुका है। अब अगर इसी तरह मैं लिखता हूँ यहाँ से गिट चेकआउट किस में, कॉन्टेक्ट में, तो ये सारा डेटा ऊपर आ गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मैं इस पर मजीद काम करूंगा। तो अगर आपको ये कोड समझने में कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं इसका जवाब दे दूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और अपनी दुआ में मुझे जरूर याद रखिए। जी तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मजीद इस तरह की वीडियोस हासिल करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।